नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करेंगे हम। तो होता क्या है, काफ़ी बार जो किसान बोलते हैं कि जी हमने अपने खेतों में खाद और फर्टिलाइजर तो बहुत डाला है लेकिन उसका असर सो नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आप कितना डालते हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना मैटर नहीं करता, जितना ये मैटर करता है कि कितना आपके खेत में जो आपकी क्रॉप जो है यूज कर पाती है, आपकी फसलों कितना मिल पाता है। तो जी एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होती है इसमें लीचिंग। तो लीचिंग को अगर मैं अपने खेती बाड़ी की फॉर्म में बताऊं कि उसका क्या यहाँ पे रोल है, तो मान लीजिए हम नाइट्रोजन की फॉर्म के लिए, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए हम यूरिया डालते हैं खेतों में। तो यूरिया पानी के साथ मिक्स होके और जहाँ तक आपकी क्रॉप की जो आपकी फसल की जड़ें हैं उसके नीचे चला जाए अगर, तो आपकी क्रॉप के वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसको हम लीचिंग बोलते हैं कि आपके ऊपर सरफेस से किसी फॉर्म के थ्रू वो नीचे चला जाए जहाँ पे उसका कोई यूज नहीं है। तो जी जैसे हम खेतों में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए यूरिया डालते हैं, तो जो यूरिया हम मार्केट से लेके आते हैं उसकी फॉर्म अलग होती है और जो फसल नाइट्रोजन लेती है उसकी फॉर्म अलग होती है। तो एक प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में रोल करते हैं आपके जमीन में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव में, जो कि इस फॉर्म को चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म को कि आपका जो प्लांट है या आपका जो फसल है वो इजिली से यूज कर पाए, उस पर उसको बोलते हैं जी नाइट्रिफिकेशन। तो उस नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं कुछ सूक्ष्म जीव। तो अगर आपके खेत में उन सूक्ष्म जीव की पॉपुलेशन जो है वो जनसंख्या जो अच्छी है, तो आपका जो भी यूरिया डालोगे आप वो तुरंत की तुरंत यानी जल्दी से जल्दी उसको चेंज कर दिया जाएगा उस फॉर्म में कि आपकी जो फसल है उसको ले सके। लेकिन अगर आपकी खेत में उसकी सूक्ष्म जीव की जनसंख्या कम है तो जो आपकी यूरिया की जो अपटेक करने की क्षमता होगी प्लांट की वो काफ़ी कम हो जाती है। और ऊपर से किसान क्या करता है कि रिजल्ट लेने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया डाल देता है, एक्सेस डाल देता है। तो उससे क्या होगा, जो यूरिया वो वाटर के साथ पानी के साथ घुल के और लीच आउट होना शुरू हो जाएगा। लीच आउट होने का मतलब है कि जमीन में जिस लेवल तक हमारे जो फसल की जड़ें होती हैं उससे नीचे के लेवल पे जाके बैठ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो फसल की जड़ें हैं वो उसको ले नहीं पाएगी। तो उसका फायदा क्या हुआ, ऐसे तो हम डालते रहेंगे वहां पे जाके सेटल होता रहेगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रही। तो अब बात ये आती है कि आप डाल तो रहे हैं लेकिन उसको कितना आपकी फसल जो है यूज कर पा रही है। तो इसके बारे में अगर आप एक दो बातों का ध्यान रखें तो आपका जो फर्टिलाइजर है वो काफी हद तक आप खेत में यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जो भी आप फर्टिलाइजर डालते हो अगर उसकी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा एक साथ ना डालें। जैसे हम यूरिया है, यूरिया को हमें अलग अलग स्प्लिट्स में देना चाहिए, यानी जिस टाइम पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसको तभी डालो। तो उससे क्या होगा, जो एक्सेस यूरिया जो वेस्ट होता है उसकी वेस्टेज नहीं होगी बल्कि जितना क्रॉप को रिक्वायरमेंट होगा उतना उसको तुरंत तुरंत मिल जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है प्लांट के आसानी से हो जाएगी। दूसरी बात है, जो सूक्ष्म जीव जैसे राइजोबियम और एजाइटोबैक्टर होते हैं जो कि नाइट्रिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनको आप बाजार से लाके, बाजार में आपको ये आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, उनको लेके और उनको किसी चीज़ के साथ यूरिया के साथ मिक्स करके या फिर खाद के साथ मिक्स करके, फिर जो केचुआ खाद होती है उसके साथ मिक्स करके आप अपने खेत में फैला दें ताकि उसकी जनसंख्या जो है पूरी अच्छे से हो जाए। तीसरे नंबर की बात है कि आप यूरिया के साथ जो सल्फर किसी भी फॉर्म में आप मार्केट से सल्फर लेके आओ उसको यूरिया के साथ मिक्स करके देन अपने खेत में डालो। उससे क्या होगा, लीचिंग आउट जो होता है उसको काफ़ी कम गति से होगा। वो सबसे लास्ट बात है कि आप जो भी फर्टिलाइजर डालो वो कोटेड डालो। कोटेड का मीनिंग क्या, जैसे यूरिया आता हमारा, तो यूरिया ज़्यादातर हमारे जो मार्केट में होता है वो नीम कोटेड यूरिया होता है, ठीक है। तो ऐसे फर्टिलाइजर डालो जो किसी न किसी सूक्ष्म जीव से या किसी न किसी पेस्टिसाइड से जो है कोटेड हो, वो आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी वीडियो से रिलेटेड कुछ और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप किस बारे में अगली वीडियो चाहते हैं उसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। तो जो हमारा चैनल कुछ नया नया है तो कुछ गलतियां हमसे हो सकती है और तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको हमने क्या कुछ मिस्टेक किया, इस वीडियो में क्या कुछ गलत बोला, तो हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।